हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल थिंक इलेक्ट्रिकल। आज हम स्टडी करेंगे बकल्स रिले। सबसे पहले हम स्टडी करते हैं कि रिले का काम क्या होता है। रिले एक डिवाइस होती है जो सिग्नल सेंड करती है कि अपनी डिवाइस को जो भी वर्क कर रही है उसे प्रोटेक्ट कर लो। ठीक है, जहां तो मैनुअली प्रोटेक्ट कर लो तो जहां ऑटोमेटिकली प्रोटेक्ट कर लो। ठीक है, तो इसमें हम स्टडी करेंगे बकल्स रिले क्या होती है। बड़े ट्रांसफार्मर्स जिनमें कूलिंग के लिए तेल का इस्तेमाल करते हैं, यानी जिनको हम ऑयल कूल्ड ट्रांसफार्मर कहते हैं, उनमें हमें कंजर्वेटर से मेन टैंक के बीच बकल्स रिले का यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो बकल्स रिले ऑयल एक्टिवेटेड एक रिले होती है और इस रिले का यूज 500 केवीए तक ट्रांसफार्मर्स के लिए होता है। ठीक है, अब हम स्टडी करेंगे बकल्स रिले का उपयोग या यूज क्यों होता है। देखो, बकल्स रिले का उपयोग ट्रांसफार्मर वाइंडिंग और कोर में होने वाले फॉल्ट्स के लिए होता है। ठीक है, जैसे इंटरटर्न फॉल्ट्स हो गए, शॉर्ट सर्किट्स हो गए, अर्थ फॉल्ट्स हो गए, ओवरहीटिंग ऑफ द कोर एक्स्ट्रा, कोई भी हो सकता है, इनमें से कोई भी फॉल्ट आ सकता है ट्रांसफार्मर में। तो ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्ट करने के लिए हम बकल्स रिले यूज करते हैं। जो बकल्स रिले है वो फॉल्ट्स जो ये अभी मैंने बताए, इन सभी फॉल्ट्स को महसूस करता है और जो ट्रांसफार्मर की इनपुट सप्लाई होती है उसको ट्रिप कर देता है विद द हेल्प ऑफ सर्किट ब्रेकर, और ये हम मैनुअली भी ट्रिप कर सकते हैं। बकल्स रिले एक ऑयल एक्चुएटेड रिले है, यानी तेल की हलचल से ही ऑपरेट होता है। ठीक है, इस अरेंजमेंट में देखिएगा कि जब भी ऑयल टैंक से बकल लेते होता कंजर्वेटर तक पहुंचता है, तो जब भी कोई ऑयल की स्पीड में डिफरेंस आता है, चाहे वो गैसियस के प्रेशर से हो चाहे वो ऑयल के प्रेशर से हो, तो बकल्स रिले ये सभी डिफरेंस को डिटेक्ट करती है और अपना काम शुरू कर देती है। ठीक है, अब हम स्टडी करेंगे बकल्स रिले काम कैसे करती है। तो हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जब भी कोई फॉल्ट आता है ट्रांसफार्मर में, तो ये रिले डिटेक्ट कर लेती है और सिग्नल सेंड कर देती है सर्किट ब्रेकर को, और जहां मैनुअली कि कोई भी बंदा आए और सर्किट को कट कर दे। ठीक है, तो अब हम स्टडी करेंगे कि ये काम कैसे करती है और ये सभी कंपोनेंट्स कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा कंपोनेंट है वो मर्करी स्विच, जहां पर दो मर्करी स्विच यूज हुए हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, ये दो मर्करी स्विचेस हैं। तो जो एक है हमारा अलार्म सर्किट के साथ कनेक्टेड और एक है हमारा टू ट्रिप सर्किट के साथ। ठीक है, और इसके साथ एक फ्लोट लगी हुई है, ये वाली है एक फ्लोट, ये मैं मेंशन कर देता हूं, ये एक फ्लोट है, फ्लोट जो एक तैरती रहती है ऑयल में। ठीक है, और फ्लोट को उन्होंने अटैच किया है हिंज्ड पॉइंट के साथ, ये वाला जो गोल वाला पॉइंट है वो है हिंज्ड पॉइंट, एक नीचे है फ्लोट के साथ हिंज्ड पॉइंट, एक ऊपर वाली फ्लोट में है हिंज पॉइंट। ये फ्लोट वन है और ये फ्लोट टू, दो फ्लोट्स यूज हुई हैं इसमें। ठीक है, अब देखेंगे हम ये वर्क कैसे करती हैं दोनों फ्लोट्स। तो ये मैंने बताया हिंज्ड पॉइंट, हिंज्ड पॉइंट एक जैसे कील को हम उसके साथ एक धागा बांधे और वो रोटेट करेगा। ठीक है, देखो मैंने कील को यहां पर लगा दिया और उसके साथ एक धागा बांध दिया, और जब भी मैं कोई उसे फोर्स अप्लाई करूंगा वो धागा जहां इधर जाएगा इधर जाएगा। ठीक है, उसी तरह ये हिंज्ड पॉइंट जहां पर यूज हुआ है। ओके, तो हम नेक्स्ट करेंगे स्टडी के, हमने यूजली इसको यूज किया था कि ये फॉल्ट को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, तो बेसिकली जब भी कोई फॉल्ट आएगा ट्रांसफार्मर में, चाहे वो शॉर्ट सर्किट हो, चाहे वो ओपन सर्किट को, ठीक है, चाहे वो ओपन सर्किट हो चाहे वो शॉर्ट सर्किट हो,
तो टेम्परेचर ट्रांसफार्मर ऑयल का राइज करेगा। मैंने पहले भी पहले लेक्चर में आपको स्टडी करवाया था कि मेन टैंक में कोर होती है, उसमें ऑयल भी होता है, तो जब भी फॉल्ट आएगा वाइंडिंग में तो वाइंडिंग पहले गर्म होगी, उसके हीट होने से ऑयल भी गर्म होगा, ठीक है। तो जब भी ऑयल गर्म होगा उसमें गैसेस बनेंगी, ठीक है, गैसेस मेनली हाइड्रोजन बनेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी, मीथेन बनेगी। तो ये तीनों गैसें बनेंगी तो वो मूव करेंगी टैंक टैंक से कंजर्वेटर की ओर और बीच में आएगा बकल्स ले। जब गैस मूव करेगी इस साइड में तो पहले वो बकल्स ले में जाकर ऊपर जमा हो जाएगी, ठीक है। जब ऊपर जमा हो जाएगी तो देखो मैंने बताया आपको एक मर्करी स्विच है ये वाला, ठीक है। जब मर्करी स्विच है इसमें मर्करी डाली हुई है, ये दो इलेक्ट्रोड्स हैं, जब ये मर्करी अटैच करेगी एक दूसरे के साथ इन दोनों इलेक्ट्रोड के साथ तो ये कंडक्ट करने लगेगा, तो वो सर्किट सेंड कर देगा, वो सिग्नल सेंड कर देगा अलार्म सर्किट को, ठीक है। तो जब भी गैस ऊपर आएगी तो ये देखो फ्लोट है, ये जब फ्लोट को फोर्स लगेगी ऊपर से नीचे से तो फ्लोट ऊपर से नीचे आ जाएगी, ठीक है। ये फ्लोट है मैंने बताया, जब नीचे आएगी तो मर्करी का पॉइंट जो है वो इलेक्ट्रोड के साथ अटैच हो जाएगा और ये कंडक्ट करने लगेगा, ठीक है। तो ये केस हो गया फर्स्ट फ्लोट वन का केस। तो अब हम देखेंगे फ्लोट टू का केस, वो कब वर्क करती है, ठीक है। फ्लोट वन में हमने देख लिया था कि ये सिग्नल सेंड कर देती है अलार्म को, ठीक है। तो फ्लोट टू का वर्क देखते हैं, जब फॉल्ट ज्यादा आ जाए और टेम्परेचर ऑयल का और ज्यादा राइज हो जाता है तो ऑयल का फ्लो और ज्यादा हो जाता है, वो स्ट्राइक करता है फ्लो टू को, देन इट एक्टिवेट द स्विच टू, देन इट फर्दर सेंड्स द सिग्नल टू द सर्किट ब्रेकर टू ट्रिप द सर्किट। मैंने बताया था कि गैसेस जहां ऊपर आके जमा हो जाती हैं तो टेस्ट कॉक के थ्रू हम उन गैसेस को चेक कर सकते हैं। तो चेक करके हम देख सकते हैं कि फॉल्ट जो आया है ट्रांसफार्मर में वो ज्यादा हार्मफुल तो नहीं है ट्रांसफार्मर के लिए, तो जहां से हम टेस्ट कर सकते हैं गैसेस को, ठीक है। तो यही वर्किंग थी हमारी बकल्स रिले की।